मैं चने दाल की पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। जिस हमने चना दाल को भिंगा लिया था 2 घंटे पहले, ये इस तरह का सॉफ्ट हुआ है, मैंने धो के रख लिया इसको। इसको मैं ग्राइंड करूँगी। ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च और ये प्याज दाल के साथ इसको ग्राइंड कर लूँगी और इसका मैं प्याज वाली और बैंगन वाली पकौड़ी बनाऊँगी। मैंने पकौड़ी बनाने के लिए दाल को पीस लिया है। इसको मैं ऐसे फेंटूंगी, इसको तब तक ऐसे घुमाती रहूंगी जब तक कि एकदम हल्का होके ऊपर ना आ जाए। इसको घुमाती रहूंगी ऐसे। फेंट के पकौड़ी बनाने से बहुत सॉफ्ट बनता है पकौड़ी और बहुत अच्छा लगता है। एक ही साइड से घुमाना है दाल का पकौड़ी। पकौड़ी बनाने के लिए दाल को एक ही साइड से घुमाना है, दोनों साइड से नहीं घुमाना पड़ता है, एक ही साइड से घुमाना होता है। इससे दाल अच्छा बनता है पकौड़ी का। दाल फेंटते फेंटते मेरा मेरा दाल इस तरह का हो गया एकदम सॉफ्ट। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक डाल दूंगी। इसको मिक्स कर लूंगी इसमें। मैं 2 किस्म का पकौड़ी बनाऊंगी इसलिए हाफ निकाल दूंगी एक अलग बर्तन में। इसको हमको पतला करना होगा बैंगन का पकौड़ी बनाने के लिए। अब मैं दाल में ये सोया और थोड़ा धनिया इसमें डाल दूंगी। और इसमें ये बैंगन को अच्छे से लपेट लपेट के दाल में बैंगन को बहुत अच्छे से बैंगन में दाल को बहुत अच्छे से लपेट के इस तरह से गरम तेल में डाल देना है। तेल बहुत ज्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो दाल तेल के साथ पकौड़ी जल जाता है। मैंने बैगन को पहले ही से काट के और नमक और लेमू के पानी में भिंगा दिया था जिससे बैगन के अंदर नमक सोख लिया है। पकौड़ी बनाना है। हमको अपना पकौड़ी थोड़ा टाइट हो जाए तो इसको हमको पलट के दूसरे साइड से तलना है। अब जो शेप चाहें वो काट सकते हैं बैगन का, छोटा पीस भी काट सकते हैं। हम स्क्वायर स्क्वायर काट के बना रहे हैं पकौड़ी। पकौड़ी तला चुका है मेरा, गोल्डन गोल्डन हो चुका है। अब हम इसको एक एक करके हल्के हाथों से निकाल लेंगे। ये बहुत क्रिस्पी बना है पकौड़ी बैंगन का। मैं प्याज का पकौड़ी बनाने के लिए इसमें धनिया पत्ती सोया डालूंगी दाल में और प्याज डालूंगी। महीन महीन कटा हुआ बारीक कटा हुआ प्याज है, इसको मैं दाल में डाल दूंगी। इसको दाल में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इस तरह से उठा उठा के तेल में डाल दूंगी। ये प्याज का दाल का प्याज वाला पकौड़ी है,
ये भी बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी होता है और बहुत क्रिस्पी होता है। वो कोई पतले चीज से इसको पलटना होता है। मैं चाकू से पलट रही हूँ, आप किसी कोई पतला नुकीला चीज से पलट सकते हैं। इस तरह से जब गोल्डन गोल्डन हो जाए तो हमको अपना पकौड़ी निकाल लेना है। देख सकते हैं कि इस तरह का गोल्डन गोल्डन और इतना क्रिस्पी हुआ है ये पकौड़ी। पकौड़ी बन चुका है। बैंगन का और प्याज का दोनों ही बहुत टेस्टी बना है पकौड़ी। चटनी और सॉस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है पकौड़ी। जाड़े में बहुत ही अच्छा लगता है चाय के साथ। आप लोग इस तरह से बनाइए पकौड़ी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।